वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपके साथ अपने हेयर वॉश रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं वॉशरूम में हेयर को वॉश कर रही हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं बाहर ही वॉश करती हूँ, वॉशरूम में वॉश नहीं करती, तो इसलिए मैंने टब रखा है नीचे, क्योंकि मैं वॉशरूम में अपने हेयर को नहीं लगने देती, ठीक है। और अभी मैंने अपना जो रेगुलर शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ उसे पानी में घोल कर देन उसे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से अप्लाई करना है, ज़्यादा फोकस स्कैल्प पे ही देना है, लेंथ पे खुद ब खुद जो शैम्पू है वो आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे डव का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डव का शैम्पू मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ, तो वही वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ मैं रिसेंटली। और अच्छी तरह से आपको अपनी स्कैल्प की मसाज करनी है। मैंने ऑयलिंग की हुई थी, तो मैंने कल रात को ऑयलिंग की थी कोकोनट ऑयल से, और एक दिन पहले भी मैंने वीडियो डाला था कोकोनट ऑयल का, उसके बाद भी मैंने एक बार ऑयलिंग की थी, तो मैं उसी को आज वॉश कर रही हूँ। और ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं वॉशरूम में कैसे अपने हेयर को मतलब वॉश करती हूँ अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से स्कैल्प की मसाज करनी है ताकि जो भी ऑयल वगैरह है, जो भी गंदियाँ वगैरह है वो निकल जाएं, ठीक है। लेंथ पे इतना फोकस मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो हाथों से, और फिंगर के जो टिप्स हैं उन पे आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। अच्छी तरह से धीरे धीरे आप करोगे तो आपका जो स्कैल्प है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा, आसानी से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, और अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आपको अच्छे और खुले पानी से आपको अपने हेयर को वॉश करना है, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। अगर आप वॉशरूम में अपने हेयर को वॉश कर रहे हो ना, तो आप कोई ना कोई चीज़, जैसे ये मैंने छोटा सा टब रखा हुआ है, ऐसे आप अपने हेयर के नीचे रखो ताकि जो आपके हेयर हैं वो वॉशरूम को ना छूएं, ठीक है। मुझे ये हाइजीन नहीं लगता, तो इसीलिए मैं हेयर को ऐसे डायरेक्ट वॉशरूम में नहीं धोती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे कोई छोटा सा बर्तन, कोई बकेट वगैरह, या ये जैसे मैंने छोटा सा टब रखा हुआ है ऐसे रख सकते हो, इससे आपके हेयर अच्छे रहते हैं और जो भी आपका हेयर फॉल होता है वो ऐसे आपके वॉशरूम में भी नहीं बहता है, ठीक है, और वॉशरूम की ब्रोकेज वगैरह भी नहीं होती है। तो आपको अपने हेयर को अच्छी तरह से इसकी केयर करनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ, और खुले से वॉटर से आपको अपने हेयर को वॉश करना है, ठीक है। तो आप देखिए कि मेरे हेयर में मैंने ऑयलिंग की थी तो कितना गंदा हो गया है ये वाला पानी। तो ऑयलिंग की थी, ऑब्वियसली बात है कि ये गंदा तो होना ही था, तो ये पूरा ऑयल ही निकला है। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने हेयर पे कंडीशनर, ये भी डब का ही कंडीशनर है गाइस, तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। कुछ दिन हो गए थे मेरे हेयर में बहुत ही ज़्यादा डिटेंगल हुए पड़े थे, और क्योंकि मेरे से डेली कंघी नहीं थी होती गाइस, तो मैं आपको ऐसे ही झूठ बोलूँ तो डिटेंगल हुए पड़े थे। तो कंडीशनर मैंने काफ़ी सारा अप्लाई किया अपने हेयर पे, और मुझे हेयर फॉल भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है गाइस, सच बता रही हूँ, हेयर फॉल मुझे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अभी, तो इसे हम क्योर करेंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी क्योर होए, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो रहा है, तो मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ, आपके साथ भी रेमेडी शेयर कर रही हूँ, और ये क्योर हो जाएगा, मुझे इतना पता है। अगर हम रेगुलरली किसी रेमेडी को, होम रेमेडी को, या अपने हेयर केयर रूटीन को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरा हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ अभी, ये देखिए, ये हेयर वॉश करते करते ही हेयर निकले हैं मेरे, ये नॉर्मल बात है, डिलीवरी के बाद कुछ टाइम ऐसा होता है, और इन्हें हम क्योर कर लेंगे, कोई इतनी डरने वाली की बात नहीं है, ठीक है। अभी जो मैंने कंडीशनर अप्लाई किया है, तो आप अपने हेयर को ऐसे फोल सकते हो हाथों की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से, ताकि जो भी डिटेंगल है वो ऐसे भी निकल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं ना, तो वो हमारे बालों को ना बहुत ही स्मूथ कर देता है, जो भी हमारे जो हेयर है डिटेंगल हुए पड़े हैं, तो आप आसानी से मतलब अपने बालों को खोल सकते हो, तो आप ऐसे फोल सकते हो अपने बालों को, तो काफ़ी हद तक आपके जो हेयर हैं अलग अलग हो जाते हैं, और आपको कॉम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती। तो आप ये वाला टिप फॉलो कर सकते हो जब आप कंडीशनर अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। और इसे मैं कम से कम 3 मिनट ही रखूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं रखूँगी, ठीक है। और उसके बाद आपको खुले से पानी से इसे वॉश करना है। जो शैम्पू वाला गंदा पानी था इसे मैं मतलब बहा दे रही हूँ, ठीक है, इसमें आपको हेयर नहीं डालें, क्योंकि ऑलरेडी आपके हेयर वॉश हो चुके हैं, अभी कंडीशनर अप्लाई किया है, तो हमें वो ही सिर्फ रिमूव करना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से बकेट खाली कर लिया मैंने, ये जो टब था मेरा छोटा सा, तो अभी मैं खुले से वॉटर से अपने हेयर को पानी से वॉश करने वाली हूँ, ताकि जो भी कंडीशनर मैंने अप्लाई किया है वो निकल जाए। और
खुले वाटर से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंडीशनर हमारे बालों में नहीं रहना चाहिए। अगर ये रह गया तो ये भी एक रीज़न हो, ये एक रीज़न हो सकता है कि आपका हेयर फॉल होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें अपने हेयर के रूटीन में ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। इससे काफ़ी हद तक हम अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आप देखिए कि कितना सारा कंडीशनर निकल रहा है टब में, ठीक है। और अभी मैं खुले पानी से वॉश करूँगी अपने हेयर को। एक बार मैंने पानी को बहा दिया है तो अभी मैं सेकेंड टाइम अपने हेयर को वॉश कर रही हूँ, तो देखते हैं अभी कितना कंडीशनर निकलता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। तो गाइज़ वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ाई हुई है, तो डोंट माइंड, आपके लिए ही बढ़ाई है क्योंकि आप लोग फिर पूरी वीडियो तो देखते ही नहीं हो, आधी अधूरी देखते हो, तो मैं इसीलिए वीडियो को बढ़ा ही देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक हेयर का। अभी एक स्टेप और है, अगर आपको पता है कि वो वाला स्टेप कौन सा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करो और बताओ कि वो कौन सा स्टेप है जो अभी रहता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद मैं वही वाला स्टेप करने वाली हूँ, ठीक है, तो आप देखना। तो अभी देखिए मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया, तो ये देखिए मेरे हाथों में जो हेयर फॉल आ रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसे क्योर कर लूँगी, ठीक है। और देखिए ये रहा मेरा रिसेंटली हेयर फॉल, पहले भी निकला था अब भी निकला है। तो अभी मैं लूँगी बकेट और उसमें पानी डालकर उसमें अप एंड डाउन हेयर को करूँगी। इससे क्या होगा, जो भी आपके हेयर में कंडीशनर फंसा हुआ है लेंथ में, वो निकल जाएगा आसानी से। तो ये वाला स्टेप मेरा फेवरेट स्टेप है और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, नहीं स्किप करती हूँ, क्योंकि इससे जो भी आपके बालों में फंसा होता है वो आपकी बकेट में निकल जाता है। तो आप भी इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। बहुत ही अच्छी रूटीन है, आप चाहो तो मेरे ये वाले स्टेप फॉलो कर सकते हो, आपको अपने हेयर फॉल में काफ़ी हद तक फ़र्क दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है और मुझे 10 मिनट ही लगे हैं, तो अभी मैं जूड़ा बना लूँगी। तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं किस में अपने हेयर को रैप करती हूँ। ये कॉटन का मलमल का कपड़ा है, मैं कोई टॉवल वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसी में अपने हेयर को फोल्ड कर देन 5 से 10 मिनट रख लेती हूँ, पूरा वाटर सोख लेता है ये वाला कपड़ा और बाल सूख जाते हैं। और गाइज ये रहा मेरा फाइनल लुक, मैंने अपने हेयर को नेचुरली सुखा रही हूँ, मैं अपने हेयर को अच्छी तरह से। और कैसे लगे आपको मेरे हेयर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और गाइज़ आपको मेरी हेयर केयर रूटीन कैसी लगी, हेयर वॉश वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फाइनली मेरे हेयर आपको कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा, ठीक है। और गाइज बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।